सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सीड्स आर कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस. सीड्स एक से दूसरी प्लेसेस पर डिफरेंट तरीकों से ले जाए जाते हैं, जैसे कि बाय वाटर, बाय एयर, बाय एनिमल, या फिर खुद डिस्पर्स होते हैं बाय स्प्लिटिंग. तो आपको यहाँ पर कुछ सीड्स दिए हैं, आपको बताना है कि वो किस तरीके से एक से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब डिस्पर्स होते हैं. और आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि कुछ राइट नेम ऑफ वेरियस मीन्स बाय विच द सीड्स डिस्पर्स, किन किन मीन्स से सीड्स डिस्पर्स होते हैं, तो पता होना चाहिए आपको. बाय एयर, कुछ जो आपके हल्के सीड्स होते हैं, जैसे डेंडेलियन, नाम भी पता होना चाहिए एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल सभी का ही. वो आपका बाय एयर डिस्पर्स होता है, जैसे कि ये वाला, ये बाय एयर होगा बिकॉज देखिए आप हल्का सीड है, खुद ही उड़ रहा है आसमान में. सेकेंड होता है आपका बाय बर्ड्स या फिर एनिमल्स, जैसे कि इसको किसी बर्ड ने खाया एंड देन कहीं पे जाके इसको उसके जो बीज है वो ड्रॉप कर दिए, तो ये होगा बाय बर्ड्स. सेकेंड होता है, नेक्स्ट होता है आपका बाय वाटर. अगर कोई पानी के पास कोई प्लांट है, जैसे कि आपका कोकोनट ट्री आपने देखा होगा, जनरली वाटर बॉडीज के साइड में होता है, उसका कोई भी जो उसका सीड है वो गिरेगा पानी में और पानी उसको बहा के दूसरी जगह ले जाएगा और वहां पे जाकर वो उग जाएगा. तो ये जो है आपका, ये होता है आपका बाय वाटर. देखिए ये आपका एक कोकोनट है, कोकोनट से कोकोनट ट्री एक प्लांट छोटा सा उग रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट इज ये आपका बाय बोस्टिंग होता है, जैसे कि सोयाबीन की अगर हम बात करें तो बाय स्प्लिटिंग, खुद ही स्प्लिट हो जाता है और उसके सीड दूर दूर तक फैल जाते हैं. एंड दिस वन, दिस ऑल्सो जो आपका हिबिस्कस है, ये भी आपका बाय बर्ड्स ही एक से दूसरी जगह पर डिस्पर्स होते हैं सीड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको पिक्चर देखनी है इसकी, एक सीड की, और उसके तीन वेरियस पार्ट्स के नाम लिखने हैं. वैसे तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बट हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो मैं वैसे बता देती हूँ, आपको पता भी होना चाहिए आई थिंक 5th क्लास में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन, ये जो बीच में दिया हुआ है, सीड के बीच में जो होता है जिससे कि आपका जो सीडलिंग है वो निकलता है, इसको हम बोलते हैं PLUMULE, प्ल्यूमूल ई. नेक्स्ट इज द सेकेंड नंबर पे, ये जो है आपका जो कि दो स्प्लिट हो जाता है आपका सीड बीच से, इसको हम लोग कहते हैं कॉटिलिडन, TYLEDON. ओके, नेक्स्ट द थर्ड वन, ये जो नीचे की तरफ है, ये होता है हमारा रेडिकल. आप याद रखेंगे तीनों के नाम, प्ल्यूमोल, कॉटिलिडन एंड रेडिकल. नेक्स्ट इज कनेक्ट द प्लांट टू देयर नेटिव कंट्रीज. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बिकॉज कौन सी चीज कहां से आई है ये आपको पता होना चाहिए. आपके चैप्टर में पोएम में लास्ट में दिया भी हुआ है, तो मैं आपको वैसे बताती हूँ, पोटैटोज एंड टोमेटोज, ये जो दोनों है ये साउथ अमेरिका से आया है. आप चाहे तो कहीं लिख लीजिए इनको, पोटैटो एंड टोमेटो, जो कि आपकी बेसिक जरूरत है, आलू भी हर सब्जी में डलता है एंड टमाटर भी, तो ये साउथ अमेरिका से आए हैं हमारी कंट्री में. नेक्स्ट पीस आया है अफ्रीका से, मटर आए हैं अफ्रीका से, कैबेज आई है यूरोप से, और इसमें जो ग्रीन चिली, ओके एंड यस ग्रीन चिली ओनली, ये भी आपकी साउथ अमेरिका से ही आई है, हरी मिर्च. और इंडिया के जो नेटिव चीजें हैं वो कौन सी है आपकी, मैंगो एंड स्पिनिच, ये भी आप याद रखेंगे दो चीजें. क्वेश्चन ये भी आ सकता है, राइट नेम ऑफ टू थिंग्स जो कि इंडिया की आपकी अपनी है, तो ये दोनों है आपकी ग्रीन सॉरी स्पिनिच एंड मैंगो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं इस बार क्योंकि एग्जाम में आ रहे हैं. पहला क्वेश्चन आपका, व्हाई डू वी ईट स्प्राउट्स, हम लोग स्प्राउट्स क्यों खाते हैं, वेरियस जो आपकी पल्सेस हैं उनको स्प्राउट करके क्यों खाते हैं. बिकॉज वी शुड ईट स्प्राउट एज दे आर पैक्ड विद वाइटामिन एंड मिनरल्स, क्योंकि उसमें विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं एंड दे हैव मेनी हेल्थ बेनिफिट्स, और डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस, सीड्स जो है वो दूर दूर तक कैसे फैलते हैं, क्या उनके वेरियस जो मीन्स ऑफ डिस्पर्सल है. तो ये है आपका एयर, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, एयर, वाटर, बर्ड्स, एनिमल्स, ओके एनिमल्स एंड देन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. आप भी एक से दूसरी जगह सीड्स को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. आप मैंगो लेके आए, आपने खाया और उसको कहीं और फेंक दिया, जो सीड है उसका, तो वहां पर मैंगो ट्री उग जाएगा. एंड फार्मिंग ऑल्सो, फार्मर्स तो का तो काम ही यही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड, द डैश प्लांट ईट इंसेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट खाता है, दैट इज पिचर प्लांट, PITCHER, पिचर एंड प्लांट. ओके, नेक्स्ट इज डैश इज द इन्वेंटर ऑफ वेलक्रो, ये क्वेश्चन भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, वेलक्रो का, वेलक्रो को किसने इन्वेंट किया था, ये इन्वेंट किया था जॉर्ज मेंस्ट्रल ने, और किस तरीके से उन्होंने ये किया था उसकी स्टोरी भी आपने पढ़ी है. खैर अभी आपके लिए सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज मेंस्ट्रल. डैश एंड डैश आर सीड्स यूज एंड स्पाइसेस, कौन से सीड्स हैं जो कि एज स्पाइसेस यूज किए जाते हैं, क्यूमिन एंड ब्लैक पेपर जो है आपका,
और भी बहुत सारे सीड्स हैं आपके, जो मस्टर्ड सीड है, सरसों जो है, वो भी एज स्पाइस यूज की जाती है. नेक्स्ट इज डैश, सीड्स कैन फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. किसके सीड्स एक से दूसरी जगह जा सकते हैं? डैंडेलियन, कॉटन, कॉटन भी जा सकता है, वो भी हल्का ही होता है. इसके सीड्स फ्लाई ऑफ कर सकते हैं एक से दूसरी जगह पर. नेक्स्ट इज सीड्स रिक्वायर एयर डैश वॉर्म्थ टू स्प्राउट. किसी भी सीड को स्प्राउट होने के लिए, अंकुरित होने के लिए, एक तो एयर चाहिए और दूसरा वाटर चाहिए, पानी. ये दो चीजों में से अगर एक भी एब्सेंट है, आप सीड को खुले में रख दे, पानी ना दे, तो भी वो स्प्राउट नहीं होगा. और पानी के अंदर डाल दे, हवा ना हो, तो भी वो स्प्राउट नहीं होगा. तो उसको थोड़ा सा पानी भी चाहिए और एयर भी चाहिए. नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ फैक्ट. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन के डिफरेंट स्टेजेस लिखिए. ये मैं आपको करा चुकी हूँ पहले भी. पहले सीड होगा, फिर रेडिकल आएगा, सीड कोट होगा, देन ऑल दीज थिंग्स. आई थिंक ये आप एक बार सर्च कर लीजिएगा खुद, मैंने वर्कशीट में कराया हुआ ये क्वेश्चन. गिव रीजन. रीजन दे दीजिए कि सीड्स केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर डू नॉट स्प्राउट. जो आपके सीड्स एयर टाइट कंटेनर्स में होते हैं वो स्प्राउट क्यों नहीं करते? आपके घर में बहुत सारे सीड्स रखे होंगे किचन के अंदर, तो वो स्प्राउट नहीं करते बिकॉज दे डोंट गेट वाटर एंड एयर. क्योंकि उनको उनको पानी और एयर नहीं मिलता. पानी भी डाल के अगर आप रख देंगे एयरटाइट कंटेनर में तो हवा उनको नहीं मिलेगी, इसलिए वो स्प्राउट नहीं करेंगे. सीड्स केप्ट इन रेफ्रिजरेटर डू नॉट स्प्राउट. सीड्स जो रेफ्रिजरेटर में रहते हैं उनको वो क्यों नहीं स्प्राउट होते? सेम रीजन, बिकॉज दे डोंट गेट एयर, हवा नहीं उनको वहाँ पे मिलती है. नेक्स्ट इज वॉट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम. एक डायग्राम से हेल्प से आपको बताना है. तो द प्रोसेस बाय विच सीड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. सिंपल, एक से दूसरी जगह सीड्स जाते हैं किसी भी तरीके से जाए. देखिए, अगर सीड्स डिस्पर्स ना होते तो अभी एक ही जगह पे आपके सारे मैंगो ट्री होते, एक ही जगह पे सारे पोटैटोज होते, दूसरी जगह क्योंकि जाते ही नहीं. तो सीड्स का डिस्पर्स होना बहुत जरूरी है अगर सभी के पास चीज अवेलेबल करानी है तो. तो जिस भी प्रोसेस से सीड्स एक से दूसरी जगह जाते हैं वो आपका डिस्पर्सल ऑफ सीड कहा जाता है उसको. ओके, एज सिंपल एज दैट. ओके, सेकंड वर्कशीट पर आते हैं. सीड द पिक्चर एंड नेम द डिस्पर्सल एजेंट. कौन डिस्पर्स कर रहा है? यहाँ पे देखिए, ये जो सीड्स हैं ये बाय एयर डिस्पर्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्पर्सल एजेंट है दैट इज एयर. नेक्स्ट में आप देखिए तो कुछ सीड्स हैं जो कि चिपक जाते हैं आपकी बॉडी के ऊपर हुक के थ्रू, जिसकी वजह से जो वेलक्रो डिस्कवर हुआ था, जॉर्ज मेंस्ट्रेल ने किया था. तो इसको, इनको कौन डिस्पर्स कर रहा है? इनको कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग. नेक्स्ट इज ये देखिए, पानी में प्लांट है तो वाटर ही करेगा. एक जो आपका सोर्स ऑफ डिस्पर्शन है मेटर, वाटर भी है. नेक्स्ट ये आपके एनिमल कर रहा है. एंड लास्ट वन इज दिस इज बर्ड. हु डिस्कवर्ड वेलक्रो? ये हम पहले भी कर चुके हैं. जॉर्ज मेंस्ट्रेल. स्पेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए. GEORGE जॉर्ज मेंस्ट्रेल. MENSTRAL. ओके, नेक्स्ट इज वेयर इज पिचर प्लांट फाउंड इन इंडिया. इंडिया में वैसे पिचर प्लांट सब जगह नहीं मिलता है, आपकी इंडोनेशियन कंट्रीज में मिलता है. बट अगर पूछा जाए इंडिया में कहाँ मिलेगा, तो इंडिया में सिर्फ एक ही जगह, एक ही स्टेट में पाया जाता है, दैट इज मेघालय. ये भी नाम आप याद रखेंगे, मेघालय में मिलता है आपका पिचर प्लांट. वॉट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट? एक प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन सी एसेंशियल चीजें चाहिए? चार चीजें बहुत जरूरी है. एयर, वाटर, इन दो से तो स्प्राउट ही होता है, लेकिन अगर उसको प्लांट बनना है तो फिर उसको सनलाइट भी चाहिए होगी and soil also at a point of time. ठीक. Next is write any two seed that you eat. दो seeds जो आप खाते हैं, तो चना and मूंग, और भी कोई आप नाम लिख सकते हैं. Seeds which are used as spice. Spice की तरह कौन से seeds use होते हैं? जीरा and black pepper. And next is seeds used as pulses. Pulses की तरह कौन से seeds use होते हैं? तो मूंग and अरहर. Okay, ये आप दालों के नाम लिख सकते हैं. What things are soaked before cooking in your house? आपके घर में कौन कौन सी चीजें जो कि सोक की जाती है बनाने से पहले? तो चना एंड मूंग अगेन. राइस एंड पल्सिस ऑल्सो. दालें अलग अलग, राइस को भी पहले सोक किया जाता है ताकि वो फिर कम जल्दी पक जाए. What is present inside the seed? सीड के अंदर क्या होता है? तो सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जो कि बाद में आपका प्लांट बनता है. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल आंसर. टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली कम्स फ्रॉम. ये मैंने बताया था आपको, जो बेसिक चीजें हैं इन तीनों चीजों को मिला के आप सब्जी बना सकते हैं. ये आई थी हमारी साउथ अमेरिका से, अमेरिका. नेक्स्ट इज कैबेज. कैबेज कहाँ से आई है? यूरोप. पिछले उसमें हम मैचिंग कर चुके, आई थिंक. पीस कहाँ से आया है? ये आया है आपका अगेन यूरोप से. कैबेज एंड पी दोनों यूरोप से आए हैं. नेक्स्ट इज ग्रीन कॉफी. अच्छा, कॉफी कहाँ से आई है आपकी? ये आपकी आई है अफ्रीका से. अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत कॉफी होती है. नेक्स्ट इज डैश प्लांट कैन ग्रो विदाउट सीड. कौन सा प्लांट है जो कि बिना सीड के ग्रो हो सकता है? तो मनी प्लांट, बनाना ऑल्सो, क्योंकि उसका भी सीड नहीं होता, बिना सीड के वो ग्रो हो सकता है. ड्रॉ द स्टेप्स ऑफ जर्मिनेशन, दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ.
ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज वॉल्स टेल स्टोरीज, जहाँ पे कि आपको एक मॉन्यूमेंट के बारे में बताया हुआ है, गोलकोंडा फोर्ट के बारे में. तो बाकी मॉन्यूमेंट्स भी देख लेते हैं, हो सकता है आपको किसी मॉन्यूमेंट की पिक्चर आ जाए और पूछ ले कि बताइए ये क्या है. तो जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए, ये आपका जगन्नाथपुरी टेम्पल है जो कि पुरी में है, विच इज इन उड़ीसा. नेक्स्ट चार मीनार हैदराबाद में है. नेक्स्ट दिस इज बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी. दिस इज हुमायूं टॉम दिल्ली. दिस इज, ये तो आपको पता होगा, इंडिया गेट दिल्ली, ये भी कॉमन है बहुत. दिस इज लोटस टेम्पल दिल्ली. दिस इज, एक सेकेंड सॉरी, दिस इज कुतुब मीनार दिल्ली. एंड अगेन दिस इज रेड फोर्ट दिल्ली. दिस इज ताजमहल आगरा. ओके, तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है जो हो सकता है आ जाए, करना है तो कर लीजिएगा. बाकी दैट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टॉपिक बिकॉज चैप्टर में आपको नहीं दिए हुए, बट क्योंकि केवी ने अपनी वर्कशीट में दे दिया तो मैंने आपको सिर्फ इन सभी के नाम बता दिए हैं. ओके, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ये आपको गोलकोंडा फोर्ट की पिक्चर दी हुई है. डैश इज सिचुएटेड एट अ प्लेस. गोलकोंडा फोर्ट इज सिचुएटेड एट अ प्लेस कॉल गोलकोंडा. ये गोलकोंडा एक जगह है, वहां पर सिचुएटेड है, विच इज 11 किलोमीटर अवे फ्रॉम हैदराबाद. हैदराबाद से ये लगभग 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, इन तेलंगाना स्टेट. बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें. गोलकोंडा में 11 किलोमीटर दूर है हैदराबाद से, और हैदराबाद आपका तेलंगाना में है. तेलंगाना की कैपिटल है एक्चुअली, पहले आंध्र प्रदेश की थी लेकिन अभी दोनों स्टेट सेपरेट हो गए हैं. नेक्स्ट इज गोलकोंडा फोर्ट वॉज बिल्ड बाय द रूलर ऑफ. गोलकोंडा फोर्ट किसने बनाया था, किन रूलर ने? इसका करेक्ट आंसर होगा कुतुब शाही रूलर्स ने ये बनाया था. द इनिशियल स्ट्रक्चर वॉज मेड अप ऑफ, शुरू का जो स्ट्रक्चर था लगभग 1200 की अगर हम बात करें, ये अच्छा कुतुब शाही ने ये बनाया था 1518 टू 1687 तक राज किया था उन्होंने इस पे. ओके, उससे पहले 1200 से पहले, 1200 से पहले अगर हम बात करें ईयर की, उससे पहले ये बना हुआ था, वॉज मेड अप ऑफ मड इनिशियली बिफोर 1200, ये मड का बना हुआ था. तो ये डेट्स भी आप याद रखेंगे. आई थिंक इसमें से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर है, किस स्टेट में है एंड किस लिए फेमस है, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस दैट वी विल डू लेटर. बट अभी के लिए कि किसने बनवाया था, कुतुब शाही ने 1518 टू 1687 में. ओके, आगे आते हैं. राइट थ्री लाइन्स अबाउट आर्किटेक्ट ऑफ गोलकोंडा फोर्ट. गोलकोंडा फोर्ट के आर्किटेक्चर के बारे में बताइए. बहुत बड़ी दीवारें थी, दीवारों के साइड में उन्होंने कुछ गड्ढे बनाए हुए थे, पिट्स बनाए हुए थे, जिससे कि जो आर्मी आपकी आएगी एनिमीज की वो उसके अंदर गिर जाए और वो अटैक ना कर पाए. उसके बाद बैस्टियंस बनाई हुई थी दीवारों के ऊपर जिससे कि आप दूर तक देख सके. ओके, एंड 87 बैस्टियंस थी. और जो दरवाजे थे वो एक तो बहुत थिक थे, प्लस उनमें कीले लगाई हुई थी आगे, जो जिससे कि कोई एलिफेंट जो एनिमी की उसका है आर्मी का, वो उसको ब्रेक ना कर पाए. ठीक, तो और बाकी चीजें जो आपने इसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ी है वो आप लिख सकते हैं. आगे आते हैं. ओके, द सेकेंड वर्कशीट इज ऑब्जर्वेशन में आपको पूछा हुआ है कि नाम लिखिए 5 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के और बताइए कि वो कहाँ है. तो पिछले में आई थिंक मैं आपको बता चुकी हूँ, आप रेड फोर्ट लिख सकते हैं, ताजमहल लिख सकते हैं, कुतुब मीनार लिख सकते हैं, एंड देन आप ताज हवा महल लिख सकते हैं. जो भी आपको 5 नाम पता हो किसी भी उसके, वो कहाँ पर है वो आप लिख दीजिएगा इसमें. नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई करिए और मैच करिए कि ये म्यूजियम कहाँ पर है. सबसे पहले है आपका नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम, ये है आपका कोलकाता में. नेशनल रेल म्यूजियम है न्यू दिल्ली में. काइट म्यूजियम है आपका गुजरात में. गुजरात आप जानते होंगे काइट्स के लिए वैसे ही बहुत फेमस है, बैसाखी पर सबसे ज्यादा काइट्स यहीं पर उड़ाई जाती है. नेक्स्ट इज सिटी पैलेस म्यूजियम. सिटी पैलेस है आपका राजस्थान के उदयपुर में. ठीक, ये आपके डिफरेंट म्यूजियम्स के नाम है क्योंकि म्यूजियम के बारे में आपको चैप्टर में बताया हुआ है. नेक्स्ट इज यूजिंग द क्लूज गिवन टू गेस द वर्ड रिलेटेड टू गोलकोंडा फोर्ट. गोलकोंडा फोर्ट से इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए उनको आपको बताना है. मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ. द पार्ट ऑफ वॉल कमिंग आउट इन राउंड शेप. पार्ट, एक वॉल का पार्ट जो कि बाहर की तरफ राउंड शेप में ऊपर की तरफ उठाया हुआ था, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं बैस्टियंस. BASTIONS. ओके, नेक्स्ट इज इट इज टू बी यूज फुल ऑफ वाटर. पानी भरने के लिए क्या बनाया हुआ था? मशक बनाया नहीं हुआ था, मशक एक लेदर बैग होता है जो कि पानी भरने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को बोलते हैं आर्मी. कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिससे बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तबाही हो सकती है, दैट इज वॉर. अ प्लेस वेयर ओल्ड आइटम्स आर डिस्प्लेड, एक जगह जहां पर कि पुराने आइटम्स रखे जाते हैं, दैट इज म्यूजियम. नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ गोलकोंडा फोर्ट. गोलकोंडा फोर्ट कहां पर है? ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर्स फ्रॉम हैदराबाद एंड दिस इज इन तेलंगाना. ओके, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में गोलकोंडा फोर्ट के बारे में लिखना है. डिड यू नो? ओके, ये देख लेते हैं एक बार. द गोलकोंडा रीजन वॉज फेमस फॉर इट्स माइन. आपको पता होगा, मैंने बता भी चुकी हूँ कि गोलकोंडा फोर्ट अपनी माइन्स के लिए बहुत फेमस है. स्पेशली किस चीज की माइनिंग होती है वहां पे? स्पेशली द माइनिंग ऑफ डायमंड्स.
क्वेश्चन बन सकता है कि गोलकोंडा जो रीजन है आपका वो किस चीज के लिए फेमस है, तो वो फेमस है डायमंड्स के लिए। हमारा जो सबसे प्रीशियस डायमंड था कोहिनूर, जिसके ऊपर आप जनरली न्यूज में सुनते भी रहते होंगे जो ब्रिटिशर्स के पास से, अभी वो एक्चुअली गोलकोंडा से ही निकला था। तो यहाँ पर पहले माइनिंग होती थी, खुदाई होती थी डायमंड्स की। द फोर्ट एट वन हाउस पॉइंट हाउस प्रीशियस डायमंड सच एज, यहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स निकले, आप किन्हीं भी दो का नाम लिख दीजिए। आई थिंक कोहिनूर तो आपको पता होना ही चाहिए, कोहिनूर। और दूसरे और भी बहुत सारे डायमंड है, आप ब्लू होप लिख सकते हैं, ब्लू होप भी यहीं का ही डायमंड है। ओके, पिंक दरिया भी है एंड दरियाए नूर भी है, और भी बहुत सारे हैं। तो पिंक होप पी, ठीक, ब्लू होप, ये दो आप नाम याद रख लेंगे। नेक्स्ट इज द आउटर वॉल ऑफ फोर्ट हैज डैश बेस्टियंस। अच्छा क्वेश्चन है, जो आउटर वॉल है फोर्ट की उस पर कितनी बेस्टियंस है, उस पर है 87 बेस्टियंस। अब मैं इसके कुछ आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस करा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट गोलकोंडा फोर्ट इज लोकेटेड, गोलकोंडा फोर्ट कहां पर लोकेटेड है, आंसर विल बी तेलंगाना। नेक्स्ट इज हु अटैक्ड गोलकोंडा फोर्ट एंड वन इट आफ्टर 8 months, 8 महीनों तक लगातार किसने अटैक किया था गोलकोंडा फोर्ट पर, उसके बाद वो जीते थे, ये थे औरंगजेब। नेक्स्ट इज विच सुल्तान रूल्ड गोलकोंडा फ्रॉम 1518 टू 1687, डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने रूल किया और ये थे कुतुबशाही, कुतुबशाही जो किंग थे वहां के। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बैस्टियंस आर देयर ऑन द आउटर वॉल ऑफ गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट के आउटर में बाहर में कितनी आपकी बैस्टियंस है, 87 बैस्टियंस है। What kind of weapons were used in war in earlier days? पहले के दिनों में वॉर में कैसे जो weapons use किए जाते थे, तो guns and cannons, तोप जिन्हें कहते हैं, वो use की जाती थी। What is mashak? Mashak क्या होता है, एक leather bag होता है जिसमें कि पानी भर के लाया जाता है। Which metal was used to form the cannon? Cannon को बनाने के लिए कौन सा metal use किया जाता था, उसके लिए use किया जाता था bronze। नेक्स्ट इज वेयर आर फाउंटेन्स फाउंड इन गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट की बहुत तारीफ की हुई है जिस तरीके से वो बनाया हुआ है, तो उसमें छत पे रूफ के ऊपर वहां पर उस टाइम पर फाउंटेन्स भी थे, तो ऑन द रूफ। फॉर विच थिंग गोलकोंडा रीजन फेमस, गोलकोंडा रीजन किसके लिए फेमस है, डायमंड, सी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज वाई वर बिग होल्स मेड इन द बैस्टियंस, बैस्टियंस में बड़े बड़े होल्स क्यों बनाए जाते थे, ताकि एनिमी पर अटैक किया जा सके और दूर तक आप लोग का व्यू हो, दूर तक आप देख सके अगर एनिमी आ रहा है तो पहले ही आपको पता लग जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोलकोंडा फोर्ट वॉज मेड इन, गोलकोंडा फोर्ट लगभग कब बनाया गया था, ये बनाया गया था ऑलमोस्ट 1200 एडी में, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट 1200 में, उसके बाद ये बनना शुरू हुआ था, बिकॉज उससे पहले मड़ का बना हुआ था, मिट्टी का ही बना हुआ था। नेक्स्ट इज व्हाट वर द फंक्शंस ऑफ शार्प आयरन स्पोक्स एट द गेट, गेट के ऊपर जो शार्प आयरन स्पोक्स लगाए जाते थे, कीले जो लगाई जाती थी, उनका क्या यूज था, ताकि एलिफेंट जो है हमारी एनिमी के वो हर्ट हो जाए और डोर को ब्रेक ना कर पाए, एलिफेंट या फिर जो भी वो चीज यूज कर रहे हैं उसको तोड़ने के लिए दरवाजे को, वो उसको तोड़ ना पाए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा एवरी ड्रॉप काउंट्स। इसमें सबसे पहले तो आपको एक बिल दिया हुआ है, आपको उसको देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी है। फ्रॉम विच ऑफिस हैज द बिल कम, ये बिल जो है ये किस ऑफिस से आया, तो यह है दिल्ली जल बोर्ड से, देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ है, ठीक, दिल्ली जल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हूज नेम इज द बिल, व्हाट इज द कंज्यूमर्स एड्रेस, किसके नाम पर ये बिल है और कंज्यूमर का एड्रेस क्या है, तो ये बिल है, नाम ढूंढना पड़ेगा आपको इसमें, ये रहा देखिए, ये है श्री सत्य प्रकाश के नाम से और ये इनका एड्रेस है 5183 बलबीर नगर शाद्रा दिल्ली। ठीक, तो आपको ये रीड करना आना चाहिए, हो सकता है कि आपको पिक्चर दे दी जाए, उससे आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाए। नेक्स्ट इज हाउ मच मनी ही हैड टू पे फॉर द बिल, और कितनी लास्ट पेमेंट है, कितना बिल उसने देना है और कितना पहले पे कर चुका है, तो उसको 649 रुपीज देने हैं और लास्ट पेमेंट किस डेट को थी, उसकी लास्ट पेमेंट वॉज ऑन 8/4/2009, ये पिछली पेमेंट है उसकी, पेमेंट की डेट है। ओके, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन, राइट डाउन जोन कोड एंड एरिया कोड ऑफ द बिल, इसका जोन कोड क्या है और एरिया कोड है क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है जोन कोड है आपका 5/NE1 एंड एरिया कोड है A5 आपका। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सम, अब कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पॉट्स एंड राइट डाउन द मटेरियल, नाम लिखिए कि किस मटेरियल का ये बना हुआ है, तो ये है आपका ब्रास पॉट, दिस इज कॉपर, ये कॉपर का पॉट है, एंड दिस इज स्टोन कार्विंग, स्टोन को काट के कार्व करके बनाया हुआ है पत्थर को, ये है आपका अर्दन पॉट, मिट्टी का बना हुआ है। नेक्स्ट इज क्लासिफाई द स्टेट्स
बाई विच द पिक्चर गिवन बिलो वेदर इट इज ऑफ राजस्थान और उत्तर प्रदेश. बताइए कि जो पिक्चर है ये राजस्थान की है उत्तर प्रदेश की है. ये पिक्चर है आपकी राजस्थान की. इसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे जो आपके स्टेप वेल एंड बाउडी के बारे में आगे. नेक्स्ट, दिस पिक्चर इज ऑफ उत्तर प्रदेश, ये आपका कुंभ जो लगता है वहाँ की है. दिस पिक्चर इज ऑल्सो ऑफ उत्तर प्रदेश, आप जानते होंगे आगरा में है ये. एंड दिस पिक्चर इज ऑफ राजस्थान बिकॉज राजस्थान में आपके कैमल चलते हैं. Why did people come to घाट्स ऑफ गढ़सीसर, लोग जो है गढ़सीसर के घाट पर क्यों आते हैं. तो सो द पीपल कम टू गढ़सीसर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स और फॉर प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक एंड डांस. वैसे पहले ये अलग चीज़ के लिए यूज किया जाता था गढ़सीसर जो है आपकी लेक, लेकिन आजकल ये सिर्फ रिलीजियस पर्पज के लिए यूज किया जाता है बिकॉज लोगों के घर में पानी ऑलरेडी है, पानी पीने के लिए यूज नहीं होता है ये जो प्लेस है आपका, जो लेक्स हैं आपकी. वॉट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक होती है ऑफ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर. ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, कलेक्शन, रेन वाटर को कलेक्ट करना एंड स्टोरेज, और उसके बाद स्टोर करना. उसको आजकल भी बहुत चला हुआ है, काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं वो काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं इसको करने के लिए बिकॉज पानी की ऑलरेडी बहुत कमी है. टैंक में आप वो करते हैं, उसके बाद उसको फिल्टर करके डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है. ये है वाटर हार्वेस्टिंग. नेक्स्ट इज लिस्ट टू कॉजेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर. शॉर्टेज ऑफ वाटर के क्या दो कारण है. सबसे पहले तो पोल्यूशन ही है, वैसे पानी बहुत कम है पीने के लिए, ऊपर से जो है उसको हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं. तो फर्स्ट इज पोल्यूशन, नेक्स्ट कुड बी लैक ऑफ वाटर अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन. वाटर लोग सेव नहीं करते हैं, बहुत जुडिशियली उसको यूज़ करना चाहिए जो कि होता नहीं है, और आप लोग वाटर वेस्टेज ज़्यादा करते हैं हम लोग. राइट, एटलीस्ट टू सोर्सेज फ्रॉम वेयर पीपल गेट वाटर, पानी कहाँ से मिलता है, मैं दो सोर्सेज के नाम लिखिए. तो ये तो वाटर सोर्सेज तो बहुत सारे, आपके रेन हो सकता है, रिवर्स हो सकते हैं, लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है, ग्लेशियर्स हो सकते हैं. ओके, तो कोई भी दो आप सोर्स ऑफ वाटर इसमें लिख देंगे. राइट एनी फोर वेज इन विच यू कैन सेव वाटर, चार तरीके लिखे जिसके जिससे आप पानी बचा सकते हैं. तो सबसे पहले तो यूज़ लो फ्लो शावर हेड. अगर आप पहली बात तो शावर में नहाना ही नहीं है, यूज़ बकेट, बकेट यूज़ करिए, शावर खोल के नहीं छोड़िए. टर्न ऑफ वाटर टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जो आप कर सकते हैं जब आप ब्रश कर रहे हैं टीथ को, तो शावर को सॉरी टैप को ऑफ कर दीजिए. यूज़ प्लांट्स दैट रिक्वायर लेस वाटर, या फिर आपका जो कोई एक्टिविटी में आप वाटर यूज़ कर चुके हैं वो आप वाटरिंग द प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं. आपने कपड़े धोए पानी में और उसको आपने पौधों में डाल दिया अपने घर में. नेक्स्ट इज वॉश फुल लॉट्स एट अ टाइम, एक ही बार में सारे बर्तन जो है वो थोड़े थोड़े ना धोए, या फिर एक ही बार में ज़्यादा वो करे, वाटर को वेस्ट ना करे. मेन ये है, बस पोल्यूट ना करे वाटर बॉडीज को. ठीक, ये कुछ तरीके हो सकते हैं टू सेव द वाटर. ओके, नेक्स्ट आपको इस लेक की पिक्चर दी हुई है और पिक्चर के थ्रू पूछा हुआ है दिस लेक इज नोन एज, इस लेक का नाम बताइए. तो ये है आपकी गढ़सीसर लेक, गढ़सीसर लेक. नेक्स्ट इज हु बिल्ड दिस लेक, किसने बनवाई थी. तो ये बनवाई थी किंग गढ़सी ने. नेक्स्ट इज इन विच स्टेट दिस लेक इज सिचुएटेड, किस स्टेट में है ये लेक. तो ये लेक है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस लेक, इस लेक के बारे में क्या यूनिक है. तो सबसे पहले तो दिस लेक इज हैज 9 इंटरकनेक्टेड लेक्स, यहाँ पर 9 इंटरकनेक्टेड लेक्स है. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कितनी इंटरकनेक्टेड लेक्स हैं. तो 9 इंटरकनेक्टेड लेक्स हैं जिसमें वाटर एक में कलेक्ट होता है. अगर ओवरफ्लो हो गया तो फिर वो एक्स्ट्रा वाटर दूसरे में चले जाता है, वहाँ पे भी ज़्यादा हो गया तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से ये एक दूसरे से लोअर लेवल पे बनाई गई है. एक भरी तो दूसरे में चला गया, दूसरी भरी तो तीसरे में चला गया. तो बहुत ही आर्किटेक्ट जो है इनका भी बहुत अच्छा है. ओके, नेक्स्ट इज ये आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है, फिर से पूछा हुआ होगा कि ये किसकी पिक्चर है, व्हाट डू यू सी इन द अबव पिक्चर, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है. तो ये है आपका वाटर साइकिल. इसके बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि पानी कभी खत्म नहीं होता, ना आप बना सकते हैं ना आप खत्म कर सकते हैं उसको. लिस्ट द मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में कौन सा मेजर प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व होते हैं. तो चार है इसमें. सबसे पहले तो इवेपोरेशन, पानी इवेपोरेट होता है. अगर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ से सन की, उससे पानी इवेपोरेट हुआ गर्म होके. उसके बाद सेकेंड होता है इसमें, ये क्लाउड में फॉर्म हुआ. सेकेंड क्या होगा, ये कंडेंस होगा. कंडेंस का मतलब होता है कि जब आपका वाटर वेपर्स पानी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है, उसके बाद ये कंडेंस होता है. कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होता है. प्रेसिपिटेशन बोलते हैं बारिश होने को. ओके, फिर बारिश होती है, उसके बाद यहाँ पर फिर से ये आपका क्या होता है, पानी कलेक्शन होता है इसमें. तो ये कलेक्ट होता है आपके रिवर्स में एंड ऑल, और फिर से वो सी में चला जाता है. तो ये चार मेन स्टेप्स हैं इसके, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन. व्हाट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या है, सीधा ही क्वेश्चन पूछ ले. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इंटू वाटर वेपर्स, जब आपका पानी जो है वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, भाप बन जाता है, ठीक, तो उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग
वाटर वेपर्स इनटू वाटर, जब आपकी वाटर वेपर्स फिर भाप जो है वो फिर से पानी में बदलती है, उसको क्या क्या कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। स्पेलिंग में लिख देती हूँ, आई थिंक कंडेंसेशन, SATION। ओके, नेक्स्ट इज वाटर साइकिल इंपॉर्टेंट फॉर अस? क्या वाटर साइकिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल जरूरी है, इसी की वजह से वाटर सप्लाई जो अर्थ के ऊपर मेंटेन रहती है, अदरवाइज जो पानी सी में गया वो वापस कभी आता ही नहीं और धरती पे पानी खत्म हो जाता। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बताइए कौन सी फेमस डिश है राजस्थान की? तो ये है दाल बाटी। वैसे चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है, बट क्योंकि चैप्टर में राजस्थान के बारे में आई थिंक इसलिए ये क्वेश्चंस दे दिए हैं। कौन सा एनिमल है जो यूज किया जाता है आपके राजस्थान में? दैट इज कैमल। अब बताइए क्लासिफाई द फॉलोइंग पिक्चर एज वाटर स्टोरेज इन ओल्डन डेज। तो पुराने दिनों में ये आपके यूज होते थे स्टेप वेल, और आजकल यूज होते हैं आपके वाटर टैंक। आइडेंटिफाई द मटीरियल ऑफ दिस पॉट। इस पॉट के मटीरियल को बताइए कि क्या ये ब्रास का बना हुआ है, कांस्य का बना हुआ है, एंड दिस इज यूज्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पॉट? इस पॉट का क्या यूज है? ये यूज किया जाता है टू फेच अवे वाटर, पानी लाने के लिए किसी दूसरी जगह से। इज इट स्टिल इन यूज? क्या ये आजकल भी यूज होता है? आजकल जरूरत नहीं है, बिकॉज आजकल सभी के घर में पानी आता है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। नेक्स्ट इज वॉट इज डर की माई? डर की माई कौन थी और इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? तो डर की माई वॉज अ लेडी हु लिव इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं राजस्थान के। इनके बारे में छोटा सा पैराग्राफ है, हो सकता है वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। और वहां पर क्या है, देर आर सेपरेट स्टेप्स टू रीच वाटर लेवल। ओके ओके सॉरी, इन्होंने आई थिंक कुछ रिपोर्टर्स के साथ मिलके, मुझे एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं है, स्टेट इनका पता है अलवर डिस्ट्रिक्ट में थी राजस्थान की, जहां तक मुझे याद आ रहा है इनका। तो आई थिंक इन्होंने एक इनके गांव में जहां पर ये रहती थी उस डिस्ट्रिक्ट में वाटर फेच करने के लिए वुमेन जो थी गांव की लेडीज जो थी उनको बहुत दूर जाना पड़ता था, तो उन्होंने आई थिंक लेक बनवाई थी कोई, आई डोंट नो नाम उसका दिया हुआ या नहीं, आप एक बार इनके बारे में रीड कर लीजिएगा, कोई आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बाकी बच्चों के लिए भी बता सकते हैं। बट इन्होंने कोई लेक बनवाई थी उनके एफर्ट से, अपने साथ कुछ जो पत्रकार हैं उनको लेके, जहां तक मुझे याद है इनके बारे में। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, लिस्ट वेरियस फेस्टिवल्स रिलेटेड टू वाटर। पानी से कौन कौन से फेस्टिवल जुड़े हुए हैं? तो सबसे पहले तो गंगा दशहरा, नेक्स्ट कुंभ मेला, नेक्स्ट रथ यात्रा और तीज। ये कुछ फेस्टिवल है जो कि वाटर रिलेटेड फेस्टिवल्स हैं आपके। राइट, टू वेज ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन ओल्डन डेज। पुराने दिनों में कैसे रेन वाटर कलेक्ट किया जाता था? सो पहले तो लेक्स होती थी मैन मेड, उसके बाद स्टेप वेल हमने देखे, और कुछ पॉन्ड्स वगैरह भी हुआ करते थे, अंडरग्राउंड पिट्स भी होते थे। एक्सप्लेन द functions, फंक्शनिंग ऑफ स्टेप वेल। स्टेप वेल के क्या functions थे, एंड what डू पीपल कॉल इट इन लोकल लैंग्वेज? लोकल लैंग्वेज में लोग स्टेप वेल को क्या कहते थे? बाउडी। सो स्टेप वेल क्या होता था, एक पॉन्ड की तरह होता था जो कि अंडरग्राउंड रेन वाटर को कलेक्शन कलेक्ट करने के लिए बनाया जाता था। देर आर सेपरेट स्टेप्स होते थे टू गो डाउन, नीचे जाने के लिए, और फिर टू गो अप, ऊपर जाने के लिए। लोग इसमें दे बेद वो नहाते थे, दे वॉश देयर क्लोथ्स, कपड़े धोते थे, दे फेच वाटर टू फॉर देयर होम, अपने घरों के लिए पानी लेके जाते थे, और लोकल लैंग्वेज में बावड़ी कहा जाता है, ये मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज हु वॉज अलबरूनी? अलबरूनी कौन था? अलबरूनी एक ट्रैवलर थे, एंड फ्रॉम वेयर डिड ही कम? वो कहाँ से आए थे? वो आए थे उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। नेक्स्ट इज हाउ मेनी लेक स्टेपवेल एंड जोहड हेल्प इन इंक्रीजिंग द अंडरग्राउंड वाटर? किस तरीके से जोहड जो लेक्स हैं वो अंडरग्राउंड वाटर को का लेवल अप करने में हेल्प करती है? तो ये सब क्या करते हैं, जो आपका पानी कलेक्ट कर लेते हैं धरती के ऊपर ही, और जो अर्थ है उनको सोक कर लेती है पानी को, और उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर जो है वो लेवल उसका इंक्रीज हो जाता है। व्हाट इज जोहड? आई थिंक बहुत लेंथी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने इसमें। जोहड क्या है? जोहड एक मैनमेड पॉन्ड जैसा होता है, उसको गांव में जोहड कहा जाता है जो रूरल एरियाज है। लिस्ट वेरियस कॉजेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। पानी क्यों कम हो रहा है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, पोल्यूट कर रहे हैं लोग, वेस्ट कर रहे हैं वाटर को, बारिश कम हो रही है ना, रिडक्शन इन अंडरग्राउंड वाटर, ये कुछ रीजन है जिनसे जिनकी वजह से वाटर स्केयरसिटी आ रही है। सजेस्ट द वेज टू कंजर्व वाटर। पानी आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं? टेक शॉर्ट शावर्स लीजिए, या फिर बकेट यूज करिए नहाने के लिए, जब आप ब्रश कर रहे हैं या फिर शेव कर रहे हैं तो उसको ऑफ कर दीजिए टैप को, एंड लीकेज पाइप अगर है आपके घर में कोई तो उसको ठीक कराइए। ओके, एंड एक ही पानी जो है बहुत सारे पर्पज के लिए यूज कीजिए। सो ये आपके सारे क्वेश्चन हैं, आई एम श्योर चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक मैं इसकी एक वीडियो भी बता देती हूँ आपको फटाफट, जहाँ पे कि आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए हुए, एक क्विज वाली वीडियो।